We were having the question as equation parking. We were having the straight lines A, AB and BC were intersecting. AB and BC, AC, we have given the names to them ourselves. 3x plus 4y equal to 5. This is 3x plus 4y equal to 5. And this is 4x minus 3y equal to 15. These two lines intersect at point A. So, ye dono lines aapki point A pe intersect kar rahi hai. Then we are given that on these lines, point B and C are chosen such that AB is equal to AC. तो ये हमने पॉइंट बी और सी ले लिया इन लाइंस के ऊपर और ये पॉइंट्स हमारे इस तरीके से हैं कि ए बी और ए सी जो हैं ये इक्वल हैं. सो फर्स्ट पार्ट वी वर हैविंग फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस. तो ये हमने कर लिया था. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 3/4. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4/3. अब क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, देयर प्रोडक्ट इज माइनस 1, तो ये दोनों लाइंस हमने शो कर दिया था दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उसके बाद नेक्स्ट हमने निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए दैट वी हैव कैलकुलेटेड एज 3 and -1. ये दो पार्ट्स हम कर चुके थे. थर्ड पार्ट था हमारा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन बी सी. इस लाइन की स्लोप हमने निकालनी है. सो इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है एक लाइन 3x plus 4y equal to 5 जिसकी स्लोप है हमारे पास -3/4 और इसकी स्लोप है हमारे पास 4/3. अब ये दो तरीके से लाइंस जो है हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं. हमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये 180 माइनस 45 लेके चलना पड़ेगा या नेगेटिव आप कह सकते हो कि लेके चलना पड़ेगा, तो -45 हो जाएगा क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं. अब ये 45 डिग्री आ गया और यानी कि इसके और इसके बीच में ए बी और बी सी के बीच में हमारा एंगल कितने का है, 45 डिग्री का. इसकी स्लोप है हमारे पास थीटा है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो वी कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप. इसकी स्लोप को हम क्या मान लेंगे, एम. अब फॉर्मूला हमें पता है, हाँ जी, tan theta is equal to m1 minus m2. So let this be -3/4 minus m upon 1 plus m1 m2. So this is 3/4 m. ठीक है, modulus ले लेना है. So we will take the positive values. tan theta क्या आ जाएगा हमारे पास, +1. 45 degree है क्योंकि theta हमारे पास. So this is 1 is equal to -3/4 minus m upon 1 plus 3/4 m. Modulus हटाओगे तो +-1. अब एक बार इसको +1 के साथ लेके चलो, एक बार -1 के साथ लेके चलो, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर. नहीं, यहीं से आ जाएगा, वो नेगेटिव आ गई ना यहाँ पे, तो दोनों तरह से वो आपकी दोनों स्लोप्स आ जाएंगे. ठीक है, अब इसको अगर हम 1 लेके चलते हैं तो दिस विल बी -3/4 या अपॉन 1 plus 3/4 m. दिस इम्प्लाइज ये इधर चला जाएगा 1 plus 3/4 m. m वाली टर्म्स एक तरफ रख लो तो 3/4 m plus m is equal to -3/4 minus 1. सो ये आप कैलकुलेट करोगे अगेन तो दिस विल गिव यू 7/4 m इज इक्वल टू -7/4. ये आपका कैंसल आउट होके m इज इक्वल टू -1. बट tan 45 पे m हम -1 नहीं लेके चल सकते तो इसको रिजेक्ट कर दोगे. सेकेंड आप उससे से निकाल दोगे, 4/3 से निकलेगी, m इज इक्वल टू -1 हो गया. ठीक है, बट हमने जो थीटा लिया है वो क्या लिया, 45 डिग्री, तो ये वाली जो है नहीं क्या उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगी. टेन 45 1 होता है ना हमारा अकॉर्डिंगली, तो ये -1 पे ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा आपका जब आपका ये स्लोप आ रहा है.
तो हम अब क्या करेंगे, अब इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। जब आप इसको नेगेटिव लेके चलोगे तो ये वाली वैल्यूज आपकी पॉजिटिव बन जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 3/4 m इज इक्वल टू, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ से दिस विल बी 3/4 m माइनस m इज इक्वल टू 1 - 3/4 m। ठीक है, यहां से भी 3/4 माइनस, हाँ माइनस 1 आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3/4 m माइनस m, माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, अब उसको लेके चलोगे सेम वे में तो यू विल गेट योर आंसर। कर लोगे कंप्लीट 4/3 और 45। ठीक है, स्लोप m ही रहेगी इसके लिए अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा उसमें है हमारे पास, पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ लाइन बीसी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। 1, 2 से पास करने वाली जो है स्लोप आ जाएगी हमारे पास, पॉइंट हमें गिवन है, तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। एक बार ना इनको दोबारा पुट करके देख लेना कि कहीं कोई साइन वगैरह में मिस्टेक ना हो आपके। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ए के पॉइंट 3, -1 है, बी सी की इक्वेशन आपके पास होगी तो ax1 + by1 + c/distance फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, तो दिस यू आर टू कम्प्लीट योर सेल्फ। ये केस स्टडीज थी आपकी इसकी स्ट्रेट लाइन्स की। नाउ वी आर डूइंग द केस स्टडीज ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड, पहले रिलेशन की करवा दूं क्योंकि वो चैप्टर आने हैं आपका, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके पता लग गया अब किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बुक वाले ही क्वेश्चंस हैं सेम उसी तरीके से, मतलब उसी में जैसे बुक में उन्होंने अगर एक चीज पूछी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू जो भी गिवन लाइन है, वहां पे पैरेलल भी पूछी जा सकती है, स्लोप भी पूछी जा सकती है, उसी इक्वेशन के उसी लाइन के साथ कोई भी एंगल बनाती हुई लाइन भी पूछी जा सकती है। 5 parts टोटल आएंगे इन ऑल एक केस स्टडी में, और पांचों के पांचों करने होंगे, यानी कि पेपर में अगर आपकी 2 case studies आ रही हैं तो 10 marks आपके केस स्टडीज के, एक जो है आपकी सेट्स में से आएगी और एक जो है उसमें से स्ट्रेट लाइन्स में से। ठीक है, और देन assertion एंड रीजनिंग वाले आपके 6 questions होंगे टोटल, बेस्ड ऑन मतलब उसमें भी जो आपके स्टेटमेंट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो सारे आएंगे, मतलब वो आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से फ्रेमिंग होगी बुक में से जैसे थे, तो इन दैट वे यू आर टू डू द प्रैक्टिस। और उसके अलावा 24 questions जो हैं, मतलब 6 questions पर चैप्टर होंगे आपके। ठीक है, क्लियर, तो अकॉर्डिंगली यू आर टू प्रिपेयर। बाकी जो मैंने डिलीटेड वाला पार्ट था वो भेज दिया है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह वाले वो नहीं करने हैं आपने, बेशक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पर आगे नहीं करने हैं आपने। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एन बिलोंग्स टू एन। सेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट x such that x is less than 5 and x belongs to n, and b is a set such that x is less than equal to 2 and x belongs to whole numbers. Based on the above information, answer the following questions. First question hai hamara, a cross b as a set of ordered pair is, a cross b kya banega, पहले सेट ए देखो क्या बनेगा आपका, x is less than 5 and x belongs to n, तो 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं लेना आपने। देन सेट बी, बी क्या है, x होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0 भी इंक्लूडेड है, 1 and 2। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, तो a टू b आपका ऑर्डर्ड पेयर है, तो a वाले एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट 1, 0, पहले 1 के साथ b के सारे एलिमेंट्स ले लो,
अब टू के साथ, देन थ्री के साथ, थ्री जीरो, थ्री वन, थ्री टू, देन टेक अलोंग विथ फोर, फोर जीरो, फोर वन एंड फोर टू, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट है इसका, ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, दिस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज। पहले ए यूनियन बी बताओ क्या आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद ए इंटरसेक्शन बी वन एंड टू, अब बन जाएगा ये जीरो के साथ वन, जीरो टू, वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, थ्री वन, थ्री टू, फोर वन, फोर टू। नाउ द नेक्स्ट, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, x belongs to A, y belongs to B. This as a set of ordered pair is. R is a relation from A to B such that x plus y is equal to 4. हमने ये बना दिया A to B, ठीक है। अब इसमें से जिनका सम 4 बन रहा है वो एलिमेंट्स उठाने हैं, क्योंकि x plus y equal to 4 हमें उसने कहा, टू टू, थ्री वन एंड फोर जीरो, ठीक है, क्लियर। देन डोमेन ऑफ आर इज, ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या आए, टू टू, थ्री वन एंड फोर जीरो, सो डोमेन इज गिवन बाय द फर्स्ट एलिमेंट, क्या आ जाएगा, टू थ्री फोर, एंड वॉट विल बी द रेंज, जीरो वन एंड टू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, हमें अब गिवन है यहाँ पे, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू जीरो टू इंफिनिटी, यानी कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स है और रेंज जो है दैट विल बी द पॉजिटिव रियल्स इंक्लूडिंग जीरो, या ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स आप कह सकते हैं। सो एफ इज सच दैट आर टू जीरो टू इंफिनिटी, अब आगे वो कह रहे हैं कि फंक्शन है जो दैट इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of x plus 1 plus f of x minus 1. Function f जो है that is given by mod x, और g of x जो है that is given by f of x plus 1 and f of x minus 1. Functions clear है? अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि based on the above information, answer the following questions. The value of g of x is, g of x हमें बताना है इसकी values क्या होंगी। ऑप्शंस हमें गिवन है, इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन देन इट इज माइनस टू एक्स, इफ एक्स लाइज बिटवीन वन टू माइनस वन तो इट इज टू एंड इट इज टू एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, यहां लिख दो, हाँ जी, हमें सिर्फ बच्चे ये गिवन है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या बताना है कि g ऑफ x जो है वो ऐसे लिखा जाएगा या तीन ऑप्शंस और है, उनमें से करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू चूज। देन दिस इज माइनस टू एक्स प्लस वन फॉर x लेस देन माइनस वन फॉर x यहाँ पे इक्वल टू b, फॉर माइनस वन टू वन दिस इज माइनस टू एक्स एंड टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, थर्ड वाला जो है दैट इज टू एक्स देन माइनस टू एंड माइनस टू एक्स, इधर वाली चीजें सेम है,
and the fourth one is 2x minus 1, minus 2x and minus 2x plus 1. सेम ये चीज सेम. अब जी ऑफ एक्स हमें बताओ बताना है क्या है. देखो एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है, यानी कि एक्स लेस देन माइनस वन के लिए क्या लेके चलोगे इसको. हाँ पॉजिटिव बनाना है ना, तो अकॉर्डिंगली हमें लेके चलना है. अब यहाँ वाली वैल्यूज हमने पुट करनी है. f of x plus 1 यानी कि mod of x plus 1 आ जाएगा और f of x minus 1 यानी कि mod of x minus 1 आ जाएगा. ठीक है. अब जब आपका x less than minus 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे, x is less than minus 1. क्या आएंगे नहीं बच्चे, x की वैल्यूज जो है जब आपने लेस देन माइनस वन पुट करना है तो ये आप पॉजिटिव लेके चलोगे कि नेगेटिव लेके चलोगे, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. देखो जब आप इसको माइनस वन से इधर लेके जा रहे हो वैल्यूज, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सारी वैल्यूज नेगेटिव है. हाँ ये आप मतलब ऐसे लेके चलोगे. ठीक है. अब यहाँ पे बताओ साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. x is less than minus 1, negative. अब इसको simplify करोगे तो क्या आएगा, minus 2x. ठीक है. अब अगला चेक करो, जब x lies between minus 1 to plus 1 हाँ जी वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन अकेली यही है तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं. माइनस टू एक्स एक में ही है ना. हाँ जी मॉड एक्स ओपन कर रहे हैं, मतलब हम फंक्शन को रीराइट कर रहे हैं, हम उसको रीराइट कर रहे हैं. कि कैसे रीराइट कर रहे हैं कि जब हम इसमें एक्स की इससे रिलेटेड वैल्यूज डालेंगे तो हमारा जो ये वाला रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा. देखो ये चीज मैंने आपको शायद पहले भी करवाई हुई है. अगर मुझे मान लो गिवन है फंक्शन मॉड ऑफ एक्स से सिंपल लेके चले, अब इसका रिजल्ट मैं मतलब कोई भी रियल नंबर डालूं दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. अब जब मैं एक्स को लेस देन जीरो लेके चल रही हूँ, अगर मैं फंक्शन को रीराइट नहीं करती, इसको मैं ऐसे एक्स लिख लेती, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी यही और लेस देन जीरो के लिए भी यही. अब यहाँ पे मॉड का साइन नहीं है तो यहाँ x less than zero value, suppose मैंने minus 5 put की, तो मेरा answer क्या आ रहा है, minus 5, जबकि इसके accordingly answer क्या आना चाहिए, plus 5. It means जब x less than zero है तो मुझे value क्या लेके चलनी है, minus 6. Got this point? क्योंकि मुझे इसको positive बनाना है. अब same way में जब मैं modulus हटाऊंगी मुझे value क्या चाहिए, जब x less than this minus 1 है value मुझे overall solve करने के बाद positive चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे जो मैंने नेगेटिव साइन लगाया था वो नहीं लगाती, लेट अस सपोज ये मैंने नहीं लगाया, अब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन यानी कि माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, मैं इंटेग्रल वैल्यूज बोल रही हूँ, बीच में रियल नंबर कोई भी हो सकता है. अब जब आप यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने अगेन माइनस फाइव पुट किया, दिस विल गिव मी माइनस फोर, जबकि मॉड के अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था. तो उस रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए कि जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे ये माइनस का साइन हटा लगाना पड़ेगा जब मैं मॉड का साइन हटाऊं. ठीक है. और यहाँ पे भी सेम वे में जब आप इसको माइनस वन से लेस वाली वैल्यूज पुट कर रहे हो, अगेन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तो ये आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी अगेन नेगेटिव. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाना. अब जब माइनस वन से वन के बीच में लेके चलोगे, माइनस वन से वन के बीच में जो वैल्यूज है आपकी वो क्या होंगी, लेट अस सपोज मैंने जीरो ले लिया या माइनस वन पॉइंट वन से लेस इधर आओगे तो जीरो माइनस जीरो पॉइंट समथिंग बनेगी वैल्यूज. तो वहां से जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वो वैल्यू वन से लेस है तो यहाँ पे आपकी वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनेगी, यानी कि इसको आप क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव.
और यहां जब हम पुट करेंगे, यहां नेगेटिव बनेगी तो यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा देन दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होंगी, तो फिर वहां पे x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, ये कैंसिल आउट होके ये आ गया 2x। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस टू, तो योर ऑप्शन इज। हाँ, वैसे तो पहले से ही पता लग गई थी क्योंकि यहाँ पे बाकी जो है वो हमारी सेम नहीं थी, ठीक है। वो मैंने जस्ट पूरा आपको समझ आ जाए इसलिए सारा दोबारा करवा दिया। गॉट दिस कंसेप्ट नाउ? अब इसी पे नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? हाँ जी, कैसे? हाँ, तो अब फंक्शन मेरी क्या बनी? फंक्शन मेरी ये बन रही है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स कुछ है ऐसे, तो जी ऑफ एक्स ये आ गया ना मेरा, मैंने इसको रीराइट कर लिया ना, ये मॉड्स हटा के। अब मुझे इसको चेक करना है, यहां से मुझे डोमेन निकालना। अब देखो जब एक्स लेस देन, हाँ जी, ऑल के से नेगेटिव आएंगे, डोमेन नहीं पूछा, रेंज पूछी है। हाँ जी, एक सेकेंड, डोमेन बोल रहा है, हाँ मैंने डोमेन बोला है, डोमेन विल बी ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। देन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेंज होगा, जो आपका कह सकते हो कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज या माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, या प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी इन दिस, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वो जीरो होगा, ये भी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को आई कैन राइट इट डाउन एज वाई इज इक्वल टू एक्स। जब एक्स और वाई की वैल्यूज आपकी सेम होती हैं तो आपका 45 डिग्री पे लाइन बनती है। सेम वे में नेगेटिव के लिए दिस विल बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि जब आप एक्स को नेगेटिव पुट कर रहे हो वाई आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स को जब आप नेगेटिव पुट करोगे वाई की वैल्यू पॉजिटिव इधर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। Then range of g of x, what will be the range of g of x? G of x था हमारा minus 2x, 2 and 2x. वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएंगे? एक्स को अगर मैं माइनस वन पुट करूं इस केस में मिनिमम टू, यहां पे भी टू, यहां पे भी टू, और मैक्सिमम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये वाली वैल्यूज भी आपकी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, तो रेंज विल बी फ्रॉम टू टू इनफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इनवर्स वाला तो है नहीं है हमारे सिलेबस में। अच्छा, नेक्स्ट है, एफ एंड जी बी द टू रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन. फर्स्ट है हमारा डोमेन ऑफ एफ इज. x माइनस वन शुड बी पॉजिटिव तभी ये आपकी फंक्शन डिफाइंड होगी. तो रूट x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. तो वन टू इंफिनिटी बिल्कुल ठीक है. डोमेन ऑफ वन अपॉन जी. वन बाई जी क्या हो जाएगा? वन अपॉन थ्री माइनस टू एक्स. अब ये कब डिफाइंड होगा? वेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, क्या आएगा? एक्स नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री. अदरवाइज बाकी सभी रियल्स के लिए दिस इज डिफाइंड. तो डोमेन क्या आ जाएगा? आर माइनस टू बाई थ्री. थ्री बाय टू. थ्री बाय टू. फिर तो डिनोमिनेटर में जब भी कोई फंक्शन गिवन है ये चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड. तो फंक्शन डिफाइंड मतलब बाकी अगर उसमें न्यूमिरेटर में गिवन है तो हर एक्स के लिए हर रियल नंबर के लिए फंक्शन आपका डिफाइंड होगा. बट जब ये डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म आ जाती है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. जहां पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया डिवीजन बाय जीरो गिव्स यू इन्फिनिटी मीन्स दैट इज नॉट डिफाइंड. तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. देन डोमेन ऑफ जी बाय एफ. वैसे ये एफ प्लस जी एफ बाय जी बाय एफ एफ बाय जी ये सब कटा हुआ है फिर भी. जी बाय एफ का डोमेन वन टू इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट वन टू इन्फिनिटी आर माइनस थ्री बाय टू एंड आर जी अपॉन एफ वन टू इन्फिनिटी क्लोज और ओपन. क्लोज. वाई क्लोज. एक सेकेंड. जी बाय एफ है. हाँ ओपन आएगा. वाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. जी बाई एफ में क्या बनेगा? ये थ्री माइनस टू एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन. अब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो वन टू इंफिनिटी. सेट्स के करवा रही हूं. द नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर गिवन बाय. सेट्स में भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इनकी डेफिनेशंस पता होंगी. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग. बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं पता होंगे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप लोग. अब सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर. इन I love mathematics. And B such that X is a letter in I love statistics. Based on the above information, answer the following questions. Which of the following is true? A is equal to B. A is a subset of B. B is a subset of A. None of these. Statistics? हाँ जी. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अब इसके letters check करो. S T A. एस टी ए. कौन सा? हाँ तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी वाले सभी लेटर्स उसमें हैं. ठीक है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी ए इंटरसेक्शन बी और फाइव. ए यूनियन बी इज ए के इक्वल आएगा क्योंकि बी सबसेट है ए का. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी छोटा है तो छोटे वाला सेट आ जाता है इंटरसेक्शन में. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट बी
नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में इक्वल वाला नहीं होता, जो सेट खुद होता है उसको नहीं लेके चलते तभी वो प्रॉपर बनता है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी अगर मैं कहूं तो इसका मतलब कि जो ए और जब हम इसके सबसेट्स बना रहे हैं बी के, तो बी जो है वो हमने नहीं लेके चलना खुद, यानी कि जो खुद सेट था वो नहीं लेके चलना जब हम प्रॉपर सबसेट्स बना रहे हैं। मान लो मैंने ए के सबसेट्स बनाए, ए के सबसेट्स क्या बनेंगे, फाइव, फिर वन वन एलिमेंट लेके चलते थे, फिर टू टू लेके चलते थे। मान लो ये ए सेट थ्री एलिमेंट्स का है, तो जो थ्री एलिमेंट्स हैं वो हमने लेके नहीं चलते, मतलब जो ए सेट पूरा है उसको जब हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं उसको हमने खुद का सेट नहीं कहना है, ठीक है। जब वो प्रॉपर वर्ड हट गया तो ए इज अ सबसेट ऑफ ई फॉर दिस प्रॉपर में, यानी कि जब हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं, टू रेज टू पावर एन, बट जब हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो माइनस क्या कर देंगे, वन, जो खुद सेट है उसको माइनस कर। क्लियर है, याद रहेगा ये, प्रॉपर में टू रेज टू पावर एन माइनस वन, अगर हम वैसे किसी सेट के सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो दैट नंबर इज गिवन बाय टू रेज टू पावर एन। अब उसने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट बी कहा, सेट बी में कितने एलिमेंट्स बनते हैं हमारे, वो बनते हैं सबसेट्स, हाँ जी, लेटर्स काउंट करोगे ना, नाइन लेटर्स टोटल बन जाएंगे जब आप इनको मतलब जो डबलिंग है या ट्रिपलिंग है उनको एक बार लिखोगे, टोटल नाइन बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आपके कितने बन गए, नाइन, तो दैट नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी टू रेज टू पावर नाइन, अगर सिर्फ सबसेट्स है, प्रॉपर सबसेट है तो माइनस वन, ठीक है, क्लियर। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। इफ एनी डाउट इज देयर बच्चे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट।